हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेक्सी एकेडमी। आज हम करेंगे एनालॉजी टॉपिक रीजनिंग का। एनालॉजी में सबसे पहले एनालॉजी मीन्स होता क्या है? एनालॉजी मीन्स होता है क्रॉसपॉन्डेंस। एनालॉजी में रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको उन्होंने ऐसे लिख के दिया होगा, कोई भी आपको चीज लिख के दी हुई है, फिर उसके बाद में कुछ और लिख के दिया है रेशो डाल के, फिर डबल रेशो डाल के, फिर कुछ लिखा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या आएगा। एनालॉजी मीन्स होता है क्रॉसपॉन्डेंस। क्रॉसपॉन्डेंस मीन्स जो कंसेप्ट पहले डबल रेशो के पहले जो कंसेप्ट फॉलो हुआ है एज ए डबल रेशो के बाद में आपने अप्लाई करना होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो कंसेप्ट डबल रेशो के पहले जो है फॉलो हुआ है एज वैसे ही आपने डबल रेशो के बाद में अप्लाई करना है, ये होता है क्रॉसपॉन्डेंस। अब देखो एनालॉजी कितने टाइप की होती है, तीन तरह की, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। सबसे पहले देखो नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, नंबर एनालॉजी में नंबर्स की बात की होगी। नंबर में देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन छोटा सा ट्राई करते हैं, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे दे रखा है 4:8 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि जो पैटर्न डबल रेशियो के पहले अप्लाई हुआ है एज ए डबल रेशियो के बाद में आपने अप्लाई करना है। जैसे हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है फाइंड तो ये करना है, बट पहले ये नहीं देखना, पहले आपने ये ऐसे बोलो कि ये भी है, पहले इसको देखो ये कैसे बना है, 4 से 8 कैसे बना है, 8 से 4 कैसे बना है, कैसे भी कर सकते हो। सबसे सिंपल वे छोटी टर्म से बड़ी टर्म की तरफ जाओ तो इजिली हो जाएगा। 4 से 8 कैसे बना, 4 से 8 कैसे बनता है, उसमें 4 ऐड कर देने से, 4 में 4 ऐड कर दोगे तो 8 बन जाएगा। ये कंसेप्ट हुआ, यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगा देना है 8 में भी, प्लस 4 ऐड कर देने हैं। 8 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि 4 से जो 8 है हम प्लस 4 करके तो बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 करके भी बना सकते हैं, ये कंसेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, जब हम एग्जाम दोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने क्वेश्चन करना है कि 4 ऑप्शंस में से हमारा आंसर कौन सा आएगा। तो ये अगर आपने क्वेश्चन किया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, उसमें 12 हुआ तो हमने 12 टिक कर देना है, और अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये 16 हुआ तो ये वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। मेनली हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि नंबर एनालॉजी है क्या। नंबर एनालॉजी में पहले जो कंसेप्ट फॉलो हुआ है एज इट बाद में अप्लाई कर देना है। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट अप्लाई होंगे, जैसे इसमें एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी होगी इसमें, स्क्वेयर्स भी होंगे, क्यूब भी होंगे, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये सारे फॉलो होंगे नंबर एनालॉजी में। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें ये अप्लाई करेंगे। सेकंड करते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी भी एज कम्पेयर जैसे आपने नंबर एनालॉजी की वैसे ही लेटर एनालॉजी भी करनी है। लेटर एनालॉजी में भी जो कंसेप्ट डबल रेशो के पहले अप्लाई हुआ ऐसे डबल रेशो के बाद में अप्लाई करना है। जैसे ए से सी बना, ए के बाद में बी छोड़ दिया फिर सी आ गया, ऐसे ही डी के बाद में ई छोड़ दो कि यहाँ पे एफ आ जाएगा। सेम टू सेम जो कंसेप्ट पहले फॉलो हुआ वही बाद में फॉलो कर दिया, ये लेटर एनालॉजी है। इसके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में भी कंसेप्ट सेम अप्लाई है। जैसे मैंगो, मैंगो क्या है, फ्रूट है, मैंगो फ्रूट, ऐसे उन्होंने रखा है पी, पी क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेजिटेबल, वेजिटेबल इसका आंसर आ जाएगा। ये थी तीन टाइप की जो है एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी में ये कंसेप्ट फॉलो होंगे। लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी में आपको क्या करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए टू जेड जो ए बी सी के लेटर्स है, 26 लेटर्स हैं विद नंबर्स, ए के ऊपर जैसे 1 है, जेड के ऊपर 26 है, ये जो नंबर्स डाल के एबीसी आपने लिखनी है पेपर से पहले आपको 5 मिनट या 10 मिनट मिलते हैं। जैसे एसएससी का पेपर होगा उसमें 10 मिनट पहले दे देते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे रेलवे का हो गया और बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको 5 मिनट 10 मिनट जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए पहले टाइम मिलता है वो टाइमिंग आप सेव कर सकते हो। उस टाइमिंग में आप ए टू जेड जो एबीसी है वो नंबर्स डाल के आप रफ शीट पे पहले लिख सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम में ये क्वेश्चन एनालॉजी के आएंगे, नंबर सीरीज के आएंगे, ऑड मैन आउट चैप्टर में से आएंगे, तो वो आपका जो एग्जाम में टाइम है 60 मिनट होगा, 90 मिनट भी होगा, जो भी टाइमिंग होगी वो आप सेव कर सकते हो। तो ये लेटर एनालॉजी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ए टू जेड लेटर्स विद नंबर्स आपको याद होने चाहिए,
और वर्ड एनालॉजी में जो है इसमें आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ इसमें सिंपल सिंपल से डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपेंडिचर यहां पे है क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके चार ऑप्शन भी लिख देती हूँ। जैसे आपको एग्जाम में आने वाला है, एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन आएंगी। ये ए ऑप्शन आ गई, ये बी ऑप्शन है इनकम, ये सी ऑप्शन है टैक्स, और ये डी ऑप्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, डी ऑप्शन है हमारी टैक्स। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले वर्ड एनालॉजी का हम लोगों ने स्टार्ट किया, वर्ड एनालॉजी का ये क्वेश्चन। इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट दे रखा है, एक्सपेंडिचर का हम लोगों ने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अब आप लोग सभी पहले तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो, जैसे इम्पोर्ट का जो लिंक है वो एक्सपोर्ट से है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर का लिंक किससे होगा, इनकम से होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये था वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम नंबर एनालॉजी का भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 14:9, 26:, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखी है 12, 13, 15 और 30। ये क्वेश्चन है, आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, वीडियो को साथ साथ पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए इसका आंसर क्या आएगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताते जाना, कुछ समझ नहीं आया हो तो। जैसे ये है 14:9 दे रखा है। अब देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसे हम लोगों ने पहले टाइप्स की उसमें मैंने बताया था कि जो छोटे नंबर से अगर आप बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो इजीली आप कर पाओगे। ऐसे इस यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी हो जाएगा सॉल्व, यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने क्या बताया था कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो करने में आसानी होगी। सबसे पहले देखो 9 से 14 कैसे बना है, ये 9 से हम लोगों ने 14 बनाना। अब देखो 9 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका सोल्यूशन है, 9 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 आ जाता है। हमें बनाना है 14, 18 में से 4 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 14। अब देखो क्या किया, दोबारा से बता रही हूँ, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, 18 में से 4 माइनस किया 14 आ गया। यही कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। सेकंड यू डबल रेशो को मान लो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न अप्लाई करना है कि यहाँ चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर लें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से और 4 माइनस करने से हमारा आंसर 26 आ जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 होगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा, 30 में से 4 माइनस करोगे तो हमारा आंसर जो है 26 वो आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का ये एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, एक एक क्वेश्चन रीजनिंग का करने के हजारों मेथड्स हैं। इसका इसी क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा और मेथड है, वो बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, ये तो था प्लस मल्टीप्लीकेशन और माइनस करके ये सॉल्व किया, ये वाला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, इसी 7 को 2 में ऐड कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा। ऐसे ही 15 सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, ऐसे ही इसको क्या कर दो, 13 को भी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 से मल्टीप्लीकेशन थी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अब उन दोनों को नंबर्स को ऐड कर दो, 13 को 2 से ऐड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी फॉलो कर सकते हो, ये मेथड है और ये मेथड है, इन दोनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहले किया था हम लोगों ने वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन, फिर हो गया ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन,
अब हम थर्ड करेंगे लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी का कोई भी एक क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं, जैसे स्मोक, पॉल्यूशन, वार, इसका क्या आएगा? ए ऑप्शन है इसकी बैटरी, बी ऑप्शन है पीस, सी ऑप्शन है क्रिएटी, डी ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन। अब इसका आंसर क्या आएगा? जैसे स्मोक है, स्मोक धुआं, धुआं से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। ऐसी वार, कोई भी युद्ध होगा उससे क्या होगा? विक्ट्री होगी, पीस होगी, ट्रिएटी होगी, जीत है, पीस शांति, ट्रिएटी संधि, डिस्ट्रक्शन भी जो है विनाश होगा, नुकसान होगा, ये है, यही हमारा आंसर होगा। वार का क्या आएगा? डिस्ट्रक्शन आएगा। जैसे इससे इसका लिंक है, वैसे ही आपने इससे इसका लिंक बना देना है। ये जो है लेटर एनालॉजी, ये एज कम्पेयर टू सॉरी वर्ड एनालॉजी, ये बहुत ईजी है। और अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपको बताने यहाँ पे क्या आएगा? देखो ये नंबर है, हमें ये भी पता चल गया कि ये भी नंबर ही लिख रखा है, बट इसमें किया क्या होगा? ये नंबर, ये लेटर्स हैं, इनको आगे पीछे किया है। ऐसे हमें इसका बताने क्या आएगा? जैसे ये जो है, इनके पहले ऊपर नंबरिंग डालो। इसको करने का सबसे सिंपल मेथड है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से, जिस क्वेश्चन में हमें पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें जो लिखा है वही आगे भी लिख रखा है, बस लेटर ही आगे पीछे किए हैं, तो हमने क्या करना है? पहले नंबर डाल लिया ऊपर। अब देखो जू का नंबर क्या है? 2। अब देखो एन का नंबर क्या है? 1। बी का नंबर क्या है? 4। इसे लिख लिया। फिर एम का नंबर क्या है? 3। ई का नंबर क्या है? 5। आर का नंबर क्या है? 6। अब ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके ऊपर लिख लिया। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो कर दो। ई जो है वो सेकंड पे है, सेकंड वाला पहले आगे आएगा, फिर फर्स्ट वाला आगे आएगा, उसके बाद में फोर्थ वाला आगे आएगा, फिर थर्ड वाला आगे आएगा, और फिर फिफ्थ वाला आगे आएगा। नंबर फिफ्थ वाला नंबर ये है। ये जो आपकी चारों ऑप्शंस होंगी उसमें से आप टिक कर सकते हो। जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया था, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है आप ई बी यहाँ तक ही सॉल्व करो, आपका आंसर मैच कर जाए। तो रीजनिंग में ये कंसेप्ट आपने जरूर फॉलो करना है कि कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा करके पहले आंसर्स के ऑप्शन चेक करो, क्योंकि जो आप टाइमिंग रीजनिंग में सेव करोगे वही आप क्वांट को दे पाओगे, तो आपका जो एग्जाम है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। जो रीजनिंग की टाइमिंग है वो क्वांट को मिल जाएगी। और रीजनिंग में आप जैसे आप एसएससी का दोगे तो आप 25 out of 25 गेन कर सकते हो ऐसे चैप्टर्स करके। और अगर आप जो चैप्टर है एनालॉजी, ये वाला चैप्टर जो है बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में जैसे कि अभी रेलवे के ज्यादा एग्जाम चल रहे हैं, तो रेलवे के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर के जी अभी हम लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन किए और इसके टाइप्स क्लियर की। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन डालने वाली हूँ और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने जरूर करनी है।